हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आशुतोष चौधरी। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। आप देख रहे हैं आशु फार्मेसी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड डी फार्मा सेकंड ईयर का जो आने वाला बोर्ड एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पिछली वीडियो में हमने जो है 50% सिलेबस को कवर किया था और मैंने उसमें बताया था कि आपको जो है सेकंड सीरीज भी प्रोवाइड कराऊंगा 50% सिलेबस जो बच रहा है। तो मैं प्रीवियस वाले वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जो है जा करके डिस्क्रिप्शन में पहला वाला सीरीज देख लीजिएगा। 50% हमने सिलेबस उसमें कवर किया है और 50% इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो दो सीरीज हमने बनाया है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। देखिए, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ डायूरेटिक ड्रग्स? डायूरेटिक्स क्या होते हैं? डिस्कस अबाउट फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड के बारे में आपको लिखना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है और जो है नॉमिनक्लेचर कर देना है, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी लिखनी है और जो है ब्रांड नेम और यूज इसका बताना है आपको। ये देखिए 100% ये क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है। मान लीजिए डायूरेटिक नहीं पूछेगा तो फ्यूरोसेमाइड ज़रूर पूछता है, इसका स्ट्रक्चर और ब्रांड नेम और यूज ये सब तो पूछता ही है। तो फ्यूरोसेमाइड को आप 100% तैयार कर लीजिए, ये आपका हर साल छपने वाला क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको जो है पहले नंबर पे रखा है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज एड्रिनर्जिक ड्रग्स? एड्रिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं? डिस्कस अबाउट एड्रिनालिन। एड्रिनालिन के बारे में आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट इज लोकल एनेस्थेटिक? लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं? गिव स्ट्रक्चर, नॉमिनक्लेचर, ब्रांड नेम एंड यूज ऑफ लिग्नोकेन। देखिए, ये भी 100% छपने वाला क्वेश्चन है। लिग्नोकेन को आप, लिग्नोकेन हुआ और प्रोकेन हुआ, इसमें जो है लोकल एनेस्थेटिक में दो तो वेरी इंपॉर्टेंट जो है ड्रग्स हैं लोकल एनेस्थेटिक में, तो इसको जो है हमें तैयार कर लेना है। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% छपेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, बहुत मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने में, इसको क्वेश्चन को छांटना और उसको जो है तैयार करना बढ़िया से। तो हमारी मेहनत को जो है आप अपने जो है एक लाइक दे करके जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। अगर कर लिया है तो धन्यवाद। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक? एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक क्या होते हैं? डिस्कस अबाउट एस्प्रिन। तो दोस्तों, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक का जो है आपको डिफिनेशन लिखना है और डिस्कस अबाउट एस्प्रिन। एस्प्रिन का आपको स्ट्रक्चर बना करके सेम जैसे आप डिस्क्राइब करते हैं, ब्रांड नेम और यूज और फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सब लिख देना है, नॉमिनक्लेचर भी कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, एस्प्रिन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका चांस हर साल बना रहता है कि ये आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गिव स्ट्रक्चर, नॉमिनक्लेचर, ब्रांड नेम एंड यूज ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स। जो नीचे दिए हुए ड्रग्स हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछता है, तीन चार ऑप्शन दे देगा, उसमें एक दो ऑप्शनल कर देगा और जो है उसका आपको स्ट्रक्चर, ब्रांड नेम, नॉमिनक्लेचर, यूज जो है लिखना रहता है। तो इसमें देखिए, हमने छांट छांट के बनाया है, प्रोपेनोलॉल जो कि बार बार पूछे जाते हैं, प्रोपेनोलॉल, एट्रोपिन, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, मिनाडायोन और इंडोमेथासिन, ये पांचों आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छठवां क्वेश्चन। व्हाट इज एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स? एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स क्या होते हैं? डिस्कस अबाउट एक्टिनोमाइसिन। एक्टिनोमाइसिन के बारे में आपको लिखना है। सातवां क्वेश्चन हमारा है, गिव डिफिनेशन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स के डिफिनेशन को आपको लिखना है, डिफरेंस बिटवीन फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन विथ एग्जांपल। आपको जो है विटामिन के डिफिनेशन को याद कर लीजिए और जो है फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन को बताना है, उसका एग्जांपल देते हुए उसमें डिफरेंस बता दीजिए कि डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस इसके जो है नाम से ही पता चल रहा है, फैट सॉल्युबल जो होगा उसको फैट सॉल्युबल विटामिन कहेंगे और जो वाटर सॉल्युबल होगा उसको जो है वाटर सॉल्युबल कहेंगे। फैट सॉल्युबल में आपका ए डी ई के विटामिन आता है
और वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी आता है, तो इसको आप देख लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। आठवां जो है, गिव स्ट्रक्चर नॉमेनक्लेचर ब्रांड नेम एंड यूज ऑफ यूरिया और मैनीटॉल। ये देखिए हर साल पूछने वाला क्वेश्चन है, यूरिया या फिर मैनीटॉल, काफ़ी इजी सा इसका जो है स्ट्रक्चर है, आप इसको जो है देख लीजिएगा एक बार, और नियोस्टिग्मिन के बारे में भी आपको लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, व्हाट इज स्टेरॉयडल ड्रग्स, स्टेरॉयडल ड्रग्स क्या होते हैं, डिस्कस अबाउट बीटामेथासोन एंड प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन और बीटामेथासोन के बारे में आपको डिस्कस करना है, बताना है इनका क्या यूज है और किन किन बीमारियों में जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेरॉयडल ड्रग्स का डेफिनेशन भी आपको साथ में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट कोएगुलेंट एंड एंटी कोएगुलेंट। देखिए कोएगुलेंट और एंटी कोएगुलेंट आपको डेफिनेशन याद कर लेना है, इसमें क्लासिफिकेशन भी आप पढ़ लीजिएगा कोएगुलेंट और एंटी कोएगुलेंट का। आल्सो डिस्कस अबाउट हिपेरिन, हिपेरिन के बारे में आपको बताना है, इसका क्या यूज होता है और कहाँ से इसको हम ऑब्टेन करते हैं, क्या इसका स्टोरेज है, ये सब जो है पढ़ लेना है हमको कोगुलेंट और एंटी कोगुलेंट के बारे में, और हिपेरिन के बारे में आपको पढ़ लेना है। हिपेरिन, वारफेरिन, ये सब इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं कोगुलेंट और एंटी कोगुलेंट वाले टॉपिक से, तो इन सबको आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा प्रयास हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।